एक बार पुनः कहूं मेरे साथ जोर से बोलो, गौ रक्षा करो हे गोपाल, गौ रक्षा हे गोपाल, गौ सेवा हो दीन दया, घर घर का माँ का स्वरूप बना लिया, अब मुझे तो तुम्हें भी मेरी माँ दिख रही है,
इसलिए आज के बाद मेरा और तुम्हारा पति पत्नी वाला रिश्ता समाप्त माना जाए। आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन मैं तुम्हें मां ही देखूंगा, तुम मेरी पत्नी का स्थान नहीं ले सकते। और कैलाश पर बाबा ने ध्यान लगा दिया, और ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर क्या कहते हैं महाराज, जो हम कह रहे हैं क्या, श्री राम जय भैया, आपके पिता राजा दक्ष ने यज्ञ रखा है, ये सब उसमें जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा, मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया। तुरंत भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया, प्रभु मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है, हमें भी जाना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, सती जी, अब आपका विवाह मेरे साथ हो गया है, जब तक मुझे निमंत्रण नहीं मिले आप नहीं जा सकती। नहीं प्रभु, मेरे पिता हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान की बात नहीं मानी तो भगवान ने दो गणों के साथ पार्वती जी को भेज दिया, सती जी को भेज दिया। वहां गई तो पिता ने देखते ही मुख मोड़ लिया, मां से बड़ा प्रेम, मां को कभी मुख नहीं मोड़ती, लेकिन उस दिन पिता के भय से माता ने भी मुख मोड़ लिया, और पिता दक्ष शंकर जी के लिए बड़े अपशब्द कहने लगे, बड़ी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करने लगे। तो सती ने उसी समय जिस हवन कुंड में पूर्णा होती होनी थी, उसी में अपनी देव को वशीभूत कर लिया। क्यों? दक्ष, तुम पापी हो जो शंकर जी का विरोध करते हो, और मेरी ये देह, मेरा ये शरीर तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये देह भी पापी है, मैं इस देह का त्याग करती हूँ। महाराज, देह का त्याग कर रही। वही सती जी आज राजा हिमांचल और माता मैना के घर में पार्वती चिदंबर स्वरूप में प्रकट हुई है। वही माँ सती ही और माता सती की जब देह को शंकर जी उठाकर ब्रह्मांड में घूमने लगे, तो पूरी सृष्टि का रचना क्रम रुक गया। नारायण ने अपने सुदर्शन से उस माता के शरीर को, जले हुए शरीर को 51 भागों में कुंजा किससे से बन गया। वही 51 भाग 51 शक्ति की ढूंढे, जहां जीवा गिरी वो ज्वाला की हुई, जहां नयन गिरे आंखें गिरी वो नैना देवी हुई, जहां दिल गिरा चित्त गिरा वो चित्त पूर्णी हुई, जहां काम भाग गिरा वो कामाख्या जी हुई। ऐसे करके 51 शक्ति पीठ उस जगदम्बा की शुरू हुई। तो आगे बढ़ने से पहले महाराज एक बार संकीर्तन करें, फिर जगदम्बा को ध्यान में करके ही, क्योंकि माँ पार्वती की लीला है सारी, उसका ध्यान करके फिर हम कथा में, विवाह की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सब अब तो संख्या बहुत हो गई, अब आपकी आवाज भी आनी चाहिए महाराज। तो करिए जोर से श्री राम जय। Yeah.
कथा जो है पता नहीं ये कटोई है कि, लेकिन वो कथा ही मर्यादा पुरुषोत्तम की है हमारे। मैं भी ये कर आज वो सारे भजन थानु सुनाने जेड़े अज कोला पहले नहीं सुने गए। तो भगवान कृष्ण को याद करके फिर जगदम्बा के पास चलते हैं। एक बार मेरे साथ सब कहिए कि देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बहुत पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से पहले नहीं आ देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। तब आता मेरे साथ कहिए देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी चेता कराना तुझ कल्या बोलो याद हो गया है ना तो बोलो। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी। Thank you.
तब लूटने लगी तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी
जिस समय महिषासुर नाम का दानव हुआ, जो भैंसे के रूप में रहता था और उसका एक साथी हुआ रक्तबीज, जिस समय प्रकटे उस समय जो माता पार्वती ने अपना गुस्से वाला रूप प्रकट किया उसको ही महाकाली कहते हैं। उसी को महाराज क्या कहते हैं, महाकाली कहते हैं। भाई भक्तों जो गिर आकर कुछ नहीं आ रहा, जाते एक मिनट नहीं तो इनसे होकर क्या है तो पार्वती जी को ही काली महाकाल कहा, पार्वती जी के ही स्वरूप में क्या बन शक्ति की नैना देवी चिंतपूर्णी चामुंडा कामाख्या का स्वरूप है महाकाली। तो आइए एक वंदना महाकाली करके फिर आगे बढ़े। जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ, जय काली thank you.
जैसे ही महिषासुर ने सब देवताओं को डराया, माता क्रोध भरी दृष्टि से महिषासुर की ओर देखने लगी और उसी समय माता की 64 जोगिनियां माता के समक्ष उपस्थित हुई और माता ने 64 जोगिनियों की सेना लेकर महिषासुर की ओर कूच कर दी। अमर बड़े मन कहते हैं कि फलानी औरत या फलाने आदमी को माता की चौकी आती है, चौकी नहीं आती तो योगिनी आती है, 64 जोगिनियां नाचती है और जोगिनी उसी स्त्री में प्रवेश करती है जो कभी बाल बाल के नहीं रहती है, बाल खुले होंगे जिनके तो नहीं है चौकी करती साधु का पहले कृपया भी मांगे पिछला दिखियो तो इतिहास उनके घर बोतल बोतल शराब पीने वाले होने के कारण, इसलिए मां नहीं आती। मां को बदनाम मत करो, मां को इतनी सस्ती बैठी। जोगिनियों ने शोर मचाया, जोगिनियों ने शोर मचाया, खैर भली हर हर शेर पे पास सिंह के आगे रपटा।
शेर ने पूंछ में लपेट करके नीचे फेंक दिया और महिषासुर की छाती के ऊपर पंजा रख के उसको दबा लिया। उसी समय मां ने किया त्रिशूल को उठा लिया और त्रिशूल को उठाते ही मां ने क्या किया, नहीं रुकी त्रिशूल की माया, नहीं रुकी त्रिशूल की माया, क्रोध निकाल चैनी क्षेत्र पड़ता है, वहां शुद्ध महादेव के रूप से भगवान शंकर है। उनसे थोड़ी सी आगे एक बहुत बड़ा तालाब है, चोर सजनिया तला है, उत्तराणी अवन कुंड है, उसी पर दर्शन करने में ना ज्यादा किलोमीटर बनी होंगे। एक अवन कुंड हाथ या कैसा बनाओ, पार्वती जी और शंकर जी कितने कितने हैं, कितनी दूरात्मा हुआ वहां हुआ है, माता पार्वती का प्राकृत्य कहाँ हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर में। मैं उस समय ये भी अलग नहीं था, हमारी बहन है, ज्यादा हमारी बुआ राधा है, बेटी तो हम कह नहीं सकते। तो माता पार्वती जी का प्राकृत्य हुआ राजा हिमाचल के लिए, और जैसे ही प्राकट्य हुआ पूरे महल में महाराज क्या हुआ, बड़ा प्रकाश फैल गया। उधर से देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा ये कैसा महल है जहां से तो बड़ी दिव्य शक्ति जैसा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, चलिए पता करना चाहिए कौन है। तो नारद जी श्रीमन नारायण का उच्चारण करते करते महल में प्रवेश कर गए। तो आगे क्या देखते हैं, राजा हिमांचल और माता मैना जी का ही एक घर है। दोनों ने नारद जी का संत भगवान जानकर बड़ा उचित मान सत्कार किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि ये इतनी ओजस्वी लोग कहां से आ रही है। तो महाराज हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, अच्छा हुआ आप आगे, आप हमारी पुत्री का भाग्य देखकर बताइए कि ये पुत्री कैसी होगी, इसका पति कैसा होगा। तो नारद जी उस समय माता जगदम्बा पार्वती जी का जैसे ही दर्शन किया, जान गए अरे मैं इसका क्या भाग्य देखूंगा, ये तो सबके भाग्य बनाने वाली है। माता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन माता ने नारद जी को इशारा किया कि मेरा भेद नहीं खोलना है कि मैं कौन हूं, नहीं तो ये तो मुझे पुत्री रूप में इन्होंने मानने के लिए ना जाने कितने साल तपस्या की है, मुझे तो ये मां मानकर मेरी पूजा शुरू कर देंगे, मुझे तो पिता और माता की डांट फटकार प्यार गुलाल तो मिलेगा ही नहीं, फिर तो मुझे भगवान मानकर पूछने लगेगी। इसलिए नारद जी अब झूठ कह नहीं सकते और सच बता नहीं सकते, तो किस ढंग से नारद जी कहते हैं जो राम कथा की जो परमानंद धुन है उसी में आए आकर के कहते हैं क्या भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
समाचार नारद समाचार सब पाए राम सिया राम सिया राम जय राम कौतुक ही के हंस धाए राम सिया राम सिया राम जय राम सैन राज बड़े आदर की नारा अब नारद जी को बड़े श्रेष्ठ ऊंचे आसन पर बैठाया है महाराज और नारद जी के चरणों में बैठ करके नारद जी से माँ उमा का भाग्य जानना चाहते हैं। तो नारद ने कहा, हे राजा हिमांचल, माता मैना, इसके तो दर्शन मात्र से ही सबके भाग्य बदल जाएंगे। ये तो ऐसी देवकन्या है, मुझे तो लगता है कहीं जगदम्बा तो नहीं। ये नहीं कह रहे ये जगदम्बा है, कहीं जगदम्बा तो नहीं, मुझे तो लग रहा है ये जगदम्बा हो सकती है। तो हिमांचल जी ने कहा, हमारे प्रदेश में तो हर एक कन्या ही जगदम्बा का स्वरूप है, इसलिए जगदम्बा ही सही। ये उत्तर भारत है, हम कभी भी कुंवारी कन्या से पांव नहीं बंधवाते, क्यों? जगदम्बा है। और जो दक्षिण भारत है, वहां पर कन्या भाई के पिता के सबके पैर स्पर्श करती है महाराज। हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कुमारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? कुमारी क्षेत्र। कुमारी मतलब जहां पर माता का कुमार अवस्था बीती है, जहां पर माता ने बिना विवाह के जीवन काटा है, पहले वाला विवाह के पहले वाला जीवन। इसलिए हम आज भी हमारे घर में कोई संतान आए, कन्या उत्पन्न हो, कुड़ियों की वजह से अस पहुंचा है, कोई किया है ना, देवी आई महाराज, देवी आई। इसलिए और नारद जी ने कहा, अब सुनिए इसको कैसा दूल्हा मिलेगा, इसकी गृहस्थी कैसी होगी। अगुण अमान इसका दूल्हा तो उसके पास पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर और खाने के लिए अन्न नहीं होगा। तो राजा हिमांचल कहते हैं, महाराज रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, इन तीनों के सिवा तो इंसान जी नहीं सकता। वो इंसान भी होगा या नहीं? तो नारद जी कहते, मुझे तो लगता है कि मनुष्य भी नहीं होगा। चक्कर में डाल दिया, हिमांचल जी सोच रहे हैं, बड़े बुद्धिमान है, बुद्धि दौड़ाने लगे और बताइए क्या होगा। उसका परिवार होगा नहीं, ना उसका मां होगा ना उसका बाप होगा। तो राजा हिमांचल ने कहा, बिना मां बाप के तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता, कहीं पत्थर से तो नहीं शादी होगी। तो नारद जी कहते, आगे सुनो, पूजने वालों के लिए वो पत्थर स्वरूप में भी पूजा जाएगा। पूजने वालों के लिए तो पत्थर में भी पूजा जाएगा, उसका कोई आकार नहीं होगा, वो निराकार होगा। अब ज्योति निराकार होती है और शिवलिंग भी निराकार होता है, महाराज उसका आकार नहीं होगा तो वो देखेंगे कैसे हम उसको भी कैसा है। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दिन देगी तैसी, जिसके मन में जैसी इच्छा होगी वो उसको वैसा दिखेगा। अच्छा महाराज, उसका परिवार तो होगा, कोई दोस्त होगा, हाँ होगा,
भूत प्रेत पिशाच भागनी हाकी चुड़ैल बिच्छू सांप ये सब उसके साथी होंगे। अब राजा हिमांचल ने अपनी बुद्धि दौड़ाना शुरू किया। ये सारे गुण तो दुनिया में एक ही में है, अरे भगवान शंकर को नहीं। बल्लाल जी ने कहा क्या पता भगवान कोई ऐसे थोड़ी मिलते हैं, इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी और आपको नहीं जिसको विवाह करना है उसको करनी पड़ेगी। तो छोटी सी माता पार्वती है, माता पार्वती से कहा आप भगवान शंकर से विवाह करेंगी। मेरा तो जन्मों जन्मों का संबंध है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो नारद जी अब शिक्षा देने लगे माँ पार्वती को क्या कहते हैं, शंभु सहज समर्थ भगवान राम सिया राम सिया राम जय राम सिद्धि पाम सब विधि कल्याण राम सिया राम सिया राम जय राम। हे माँ जाओ वन में जाओ जंगल में जाओ और भीष्म तपस्या से भोले बाबा को प्रसन्न करो, फिर ही तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ होगा। मैया छोटी सी मैया है, कन्या रूप में छोटे छोटे पांव हैं, कभी भूख नहीं देखी क्योंकि बहनों के अंदर रहती है, कभी जमीन पर भूमि पर पांव नहीं रखा क्योंकि नीचे मखमल की तालीम पीछे रहते हैं, राजा की पुत्री है। कभी भूख क्या होती है इसके बारे में पता नहीं क्योंकि 50-50 माता की सखियां साथ में खाने का सामान लेकर घूमती हैं कि हे घोराजो कुछ पालो कुछ खा लो। आज वो मैया तपस्या करने के लिए महाराज जंगल की ओर चल पड़ी। क्या अद्भुत दृश्य है हमारा, हमारे समझने वाली बात सीखने वाली बात। हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनता नहीं। क्यों बिगड़ गए? क्यों? क्योंकि महाराज हमने उनको भूख शाम भूख प्यास और सर्दी गर्मी का एहसास करवाया ही नहीं, हमने कभी अपने आप से अलग किया ही नहीं, इसलिए वो भगवान के शरण में क्यों जाएं? इतना लाड किया कि उसी बेटे ने या उसी पुत्री ने बड़े होकर कहा कि मैं कोठे पर शाकाहारी हूं नहीं ले लू क्या लिया मरा। इसलिए शिक्षा क्या है, छोटी छोटी अवस्था में ही बच्चों को धर्म और देश, देश माने जैसे राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए हमारे देश में शाखाएं चलती हैं संघ, तो उसमें अच्छी अच्छी बातें बौद्धिक सिखाते हैं शारीरिक सिखाते हैं, और मंदिर वहां पर भगवान से प्रेम कैसे किया जाए ये सिखाते हैं रोज भेजो नियम से। ऐसा नियम बनाओ आधा घंटा हमारे सबके 150 बच्चे एक साथ खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें वाला, फिर नहीं बिगड़ेंगे, फिर बिगड़ ही नहीं सकते, और जो नहीं आएगा वही बिगड़ेगा, और उससे ही अपने बच्चों को दूर रखना है क्योंकि एक ही गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। भगवान का कह दो तुम माता गोरा से क्या सीखना है कि माता पिता के साथ प्रेम तो है महाराज ठीक है, लेकिन भगवान और इस विश्व के कल्याण के लिए हमें तप करना चाहिए। तप का अर्थ क्या, हमें कठोर से कठोर संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने चरित्र को कभी डिगने नहीं दूंगी, मैं चरित्र ही नहीं चरित्रवान बनूंगा, मैं कमजोर नहीं बलहीन नहीं बलवान बनूंगा, मैं बुद्धिहीन नहीं बुद्धिमान बनूंगा,
अभी वही माता पार्वती जी वन में चली हैं तपस्या करने, दर्शन करिए महाराज। Thank you.
बड़ी प्रसन्नता हो आदमी को तो कॉकटेल पार्टी ही रखनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, बाबा की समाधि रखनी चाहिए, और समाधि हजारों वर्षों की होगी, हजारों वर्षों की समाधि में बाबा की समाधि में ही एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर पैदा होकर ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो पुत्र क्या चाहिए, तो तारकासुर को पता है अपने बुद्धि से चलाक बना है, कहता है कि भगवान शंकर के पुत्र हो उसके हाथ में मेरी मौत है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से सती माँ के साथ भगवान का वियोग हो गया है, भगवान एकदम विरक्त रहते हैं, विराग रहते हैं, तो तारकासुर के मन में ये है कि भगवान सती जी के प्रेम से कभी बाहर नहीं आएंगे और फिर से विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहाँ से आएगा और मैं मरूंगा कैसे। तो तारकासुर के मन में ये भाव था, इसलिए मांगा कि शंकर जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए। उसी समय क्या हुआ, देवराज इंद्र के ऊपर तारकासुर ने हमला कर दिया। अब इंद्र की तो पुरानी आदत है भागने की, भाग गए क्योंकि सरपंच है देवताओं का, राजनीतिक लोगों को भागने की पुरानी आदत होती है ना, जब तक नारे लग रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद तो आगे आगे हार, जैसे बोला मुर्दाबाद पता नहीं लगा कहीं गली गई। तारकासुर ने मुर्दाबाद कर दिया आगे, तो भाग गया, भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इस बाबा की समाधि भंग करनी पड़ेगी, तो इनका विवाह पार्वती जी से हो। तो सबने युक्ति लगाई और कामदेव को भेजा कि जाओ शंकर जी की समाधि भंग करो। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर जाता है महाराज, हर प्रकार से भगवान के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो शंकर है। आपको एक बात और बताऊं, शंकर जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, माता पार्वती के गर्भ से एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। यदि शंकर जी ब्रह्मचारी नहीं होते तो गर्भ से पैदा होती, कार्तिकेय जी संकल्प से पैदा हुए, गणेश जी मैल से, और एक पुत्री जिसका नाम उल्लेख वैसे तो बड़े नाम आते हैं, बड़ी प्रसिद्ध नाम है अशोक सुंदरी, वो भी माता के मन से कि मेरे साथ बात करने वाली मेरी कोई पुत्री नहीं, किससे दिल की बात करूं, यहाँ तो भोले बाबा सारे ही गण है। अशोक सुंदरी वो भी उनके मानसिक संकल्प से पैदा हो, गर्भ से कोई भी पैदा नहीं। तो महाराज क्या हुआ, कामदेव उस ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी के ऊपर भगवान शंकर के ऊपर अपने प्रहार करने लगा, और अंत में कामदेव ने अपना काम रूपी बाण शंकर जी के हृदय में मार दिया, उनके दिल में मार दिया। शंकर जी की समाधि उसी समय टूटी और शंकर जी क्रोध में आकर अपने सिर को हिलाकर अपनी जटाएं बिखेरने, तीसरा नेत्र खोला, और जैसे ही कामदेव की ओर दृष्टि गई तीसरा नेत्र खोलने मात्र से कामदेव जलकर भस्म हो गए। अब महाराज किसी ने पूछा कि ब्रह्मचारी है शंकर, उनके ऊपर भी काम प्रभाव कर जाता है क्या, फिर तो वो भगवान कैसे, क्योंकि भगवान काम के अधीन नहीं होता, काम वासना विषय लोभ ये सब तो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो महाराज संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कामदेव ने असंख्य लाखों प्रहार शंकर जी पर किए लेकिन शंकर जी की समाधि तोड़ नहीं पाया, इतना सा भी कुछ विचलित नहीं कर पाया,
लेकिन जब उनके हृदय ने दिल में प्रहार किया तो शंकर जी को क्रोध आया, काम से नहीं, काम वासना से समाधि नहीं टूटी, क्रोध आया कि कामदेव मेरे हृदय में तो सीताराम जी रहते हैं, तुमने उनके ऊपर ही कामवान का संधान कर दिया, मेरे ऊपर तुम जितने प्रहार करते कर लेते, लेकिन तुमने मेरे सीताराम जी जो मेरे दिल में रहते हैं उनके ऊपर कामवान छोड़ दिया, इसलिए महाराज काम को बाबा ने भस्म कर दिया। रति भोले बाबा के चरणों में पड़ी क्षमा मांगी और बाबा से कहा, प्रभु आप सबको तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता, यदि वो आपकी जगदम्बा स्वरूपा सती पार्वती का 16 सोमवार करें, श्रृंगार अर्पण करें, उनको सुहाग देती है, जिन बालकों का विवाह नहीं होता वो आपके 16 सोमवार करके आपका जलाभिषेक करें, उनको आप पत्नी देते हो, लेकिन आपने आज पहली बार दुनिया में ऐसा काम किया किसी को विवाह कर दिया। तो शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो, काम शारीरिक रूप से तो नहीं रहा लेकिन मानसिक रूप से काम सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए जब काम हमारे अंदर आता है, जब बुरी लत हमारे अंदर आती है, वासना हमारे अंदर आती है, तो शरीर लेकर नहीं आता, बिना शरीर के आती है, मानसिक आती है, मन से शुरू होती है और फिर दिल में फैलती है, इसलिए रति को कहा कि काम मानसिक रूप से तुम्हारे साथ रहेगा। तो रति ने कहा, बाबा बिना शरीर के मैं भी काम का क्या करूंगी। तो कहा, जिस समय द्वापर युग आएगा भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उस समय एक बड़ा भीष्म असुर होगा, शंबरासुर, और उस शंबरासुर को वरदान होगा कि वो कृष्ण के पुत्र के हाथों मरेगा, तो यही तुम्हारा पति काम कृष्ण के पुत्र रूप में पैदा होगा, जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। रति के मन में संतोष हुआ और वहां से चले गए। तभी सप्त ऋषियों संग देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी इंद्र जी अग्नि देवता वायु देवता सब शंकर जी के पास आए, सब ने शंकर जी की जय जयकार कही और जय जयकार करने के बाद शंकर जिसे इंद्र कहते हैं, बाबा कि जिससे मैं इस बार हारा हूं अगली बार वो मुझसे हारे। तो देवता महाराज कितने स्वार्थी हैं, पहली बार भगवान के पास आए, हे भगवान हम आपसे कुछ चाहते हैं, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, हम चाहते हैं आप जहर पी लो, अब हमें कोई कहे हमारे घर में आकर कि मेरी मनाली इच्छा है कि तुम जहर पी लो, लेकिन वो तो भोले बाबा है, आशुतोष है, जो सुमंत्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, बाबा ने जन के कल्याण के लिए वो भी पी लिया। अब दूसरी बार आए हैं, बाबा हम चाहते हैं आप विवाह करो, तो शंकर जी समझ गए कि बाबा विवाह तो मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए करवाने आए हैं। इससे महाराज क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान ने विवाह भी किया तो इस जगत के कल्याण के लिए किया, और हम विवाह करते हैं तो अपने शारीरिक दुख सुख के लिए करते हैं, वासनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जबकि विवाह क्यों करना चाहिए, दुनिया के कल्याण के लिए, हमसे जो संतान उत्पन्न हो, संतान उत्पत्ति से पहले हमारा इतना यम नियम व्रत संकल्प पूजा होनी चाहिए, हर समय श्री हरि नारायण का जाप होना चाहिए कि जब भी मेरी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न हो तो वो पैदा होते ही संत वृत्ति में हो, आगे चलकर कोई बड़ा महापुरुष संत बने, इसलिए विवाह भी करना है तो हमारा जगत के कल्याण के लिए विवाह करना, अपने लिए विवाह नहीं करना,
क्योंकि जो जो अपने लिए विवाह करता है महाराज, उसका विवाह ज्यादा चलता नहीं, थोड़ी देर के लिए होता है, टूट जाता है, दिन पड़ जाता है। लेकिन जो पूरी जगत के लिए विवाह करता है कि काश मैं भगवान को मेरा इतना नाम लूंगी कि मेरी कोख से जो पुत्र उत्पन्न हो, आगे चलकर कोई बड़ा अच्छा महापुरुष बने, संत बने और इस दुनिया को ज्ञान दे। देसी आग चढ़ाई जाती है तो क्यों चढ़ाई जाती है महाराज? किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भगवान शंकर ने कभी भांग पी है, किसी में नहीं। भगवान ने हलाहल विष पिया है तो महाराज भांग क्यों चढ़ाई जाती है? तो जिस समय बाबा ने तो हलाहल विष पिया तो बाबा ने किसी बर्तन से पात्र से नहीं पिया, ऐसे करके हाथों में लेकर। और जब हम भी पानी हाथों में लेकर पीते हैं तो कुछ बूंदे नीचे गिर जाती हैं। वो जो हलाहल विष की बूंदे नीचे गिरी पृथ्वी पर, वही विष की बूंदे, जहर की बूंदे भाग आग और धतूरा बनकर उत्पन्न हुई। और आज भी ये जहर ही है। आज भी आप धतूरा खाओ मर जाओगे, देसी आग का दूध पीना कर तो ये खाए वाला पिए स्वाद। चलो इंद्र ने नहीं बोला भंग पीते तो लिखे रहे। तो हम भांग आग पूरा भगवान शंकर को क्यों महाराज उनको अर्पण करते हैं? क्योंकि हे भगवान, जिस प्रकार आपने इस हलाहल विष से, इस जहर से पूरी सृष्टि की रक्षा की, उसी प्रकार ये भांग, ये आग, ये दुर्गा भी जहर है, ये विकार है, ये नशा है। दुर्गे पर जैसे कांटे लगी हैं, ये मेरा स्वभाव है जलन का। इन सब चीजों को भी आप पी लीजिए और मुझे एकदम भक्त बनाइए, इसलिए ले चढ़ाया। मेरे और कोई ताकत नहीं है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। और जिस समय भगवान ने हलाहल विष किया तो भगवान ने उसको अपने कंठ में रोक लिया, ऊपर नहीं लेकर गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कुंड जहां हमने शिखा रखी होती है वहां अमृत का वास होता है। इसे देखना नहीं आवरे बाली के डाले ते सिर में लगा रखना ते बंदे ही आवरे कोटी ने अपनी शहर जोड़ी। और दूसरा नीचे नहीं लेकर गए। क्यों? दिल में कौन रहता है? सीताराम जी, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कंठ में माने गले में उस नीले जहर को धारण किया, इसलिए भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम हुआ नीलकंठ महादेव की। तो महाराज जब भगवान ने जहर पिया तो जहर पीने के बाद शरीर तपता है, बड़ी तपता। बड़े लोग के शास्त्र जी महाराज बिखेरा पड़ेगा, ये हमें बता तपता है शरीर। उस समय सब देवता डर गए कि जहर को पिलवा दिया हमने, अब क्या होगा? तो डर के कारण सब देवताओं ने समुद्र से जब भर भर के शंकर जी के ऊपर डालना शुरू किया कि जो तप रहा है, ये बुखार है, तपता ना शरीर, ठंडिया बढ़िया करो। ऐसे ही उन्होंने शंकर जी के ऊपर जल डालना शुरू किया कि इनके शरीर का ताप कम हो जाए, इनकी तपन कम हो। तब से हम लोग शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उन सब बोले वाले देवताओं को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि जो जहर पीना जानता है वो बचाना भी जानता है। लेकिन ये सब मुझसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इनको मेरी चिंता है, फिक्र है, इसलिए ये जल चढ़ा रहे हैं। इसलिए आज के बाद जो कोई जल भी चढ़ाएगा उसके भी मनवांछित इच्छाओं की मैं पूर्ति करूंगा, उसका भी कल्याण करूंगा। शंकर जी का नाम क्या है, शंकर का अर्थ क्या है? शं कल्याणं करोति इति शंकरः।
जो सबका कल्याण करे उसे शंकर कहते हैं। और सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी ने लगन निकाला, लग बड़ी बड़ी पुरानी बड़ी बनाया गया, नारद जी ने हाथ बनाई भाई कुछ बढ़ाने गल करने आए। नारद जी हिमाचल जी के वहां पर गए, लगन लेते थे, लगाई हुई लगन, बारात का दिन आया, सब देवता लगे सवार, सकल सुर वाहन विदित विमान, वो ही सब मंगल सुबह करी अक्षरा गान, चारों तरफ अप्सराए नृत्य करने लगी, देवता संगीत में वादन करने लगे। तो महाराज सब देवताओं की पत्नियां ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी, देवता भी अपने अपने नाई की दुकान पे जाके कटिंग शेटिंग करवा के फिट। अब उस समय पता नहीं कौन से कपड़े, मैं तो था नहीं वहां पे, सबने अपने सबसे बढ़िया बढ़िया नए नए सूट डाल लिए, गहने डाल लिए। अच्छा महाराज उसके बाद क्या किया, खुद ही नहीं तैयार हुए, खुद ही नहीं सजे, उनके जो जो वाहन थे उनको भी तैयार किया। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को खूब फूलों से सजाया, जैसे विवाह वाली मारुति इसी को बनाना है। सबने अपने अपने वाहन सजाए। अब जमराज के पास क्या था, भैंसा दावा करूंगा। जमराज महाराज सुबह से लगे हैं उसको सर्फ एक्सल के साथ इसके चढ़के जाऊंगा मैं बारात लेके। तो क्या हुआ महाराज, सबको अपनी अपनी चिंता है तैयार होने, लेकिन जो दूल्हा है उसकी चिंता किसी को नहीं, उसको तैयार करने कोई नहीं आया। विवाह में ऐसा ही होता है, हम सब लोग खूब तैयार होकर जाते हैं, किस्सा सारे नहीं दिख रहा, चंगी अड्डियां दिखने पीछे मोड़ी मोड़ी है। मैं भी किया है इसलिए मुझे अनुभव है, नहीं भाई तजर्बा में अपना जीत जलाएगा। अड्डियां गोड़ियां पीछे मोड़ी मोड़ी अड्डियां जिसमें कुछ दिखने वाला, लेकिन विवाह में सच ये है कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं, कोई नहीं देखता। किसी के पास उस समय देवताओं में समय नहीं कि जो दूल्हा है चलो उसको तैयार करें। और शंकर जी बेचारे बैठे हुए हैं, साथ में दो गण बैठे हैं, नंदी और प्रेमी। अब नंदी क्या है, बैल है। तो क्या हुआ, शंकर जी ने कहा नंदी बारात का समय क्या है। नंदी ने कहा महाराज शाम के समय निकलेगी गोधूली नगर में, तो बारात अभी तक आया कोई नहीं। तो नंदी ने कहा महाराज आया तो कोई नहीं, तो बारात तो लेट हो जाएगी, लगन निकल जाएगा, तो क्या करें। तो महाराज आप तैयार भी नहीं हुए, तो शंकर जी ने कहा मैं कभी जीवन में तैयार नहीं हुआ, आज कहां से हो जाऊंगा। तो बाबा आज तो आपको दूल्हा बनना है, आज तो तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, देखो देखो कैसा दूल्हा है, अपने विवाह वाले दिन में तैयार नहीं होता। तो बाबा ने कहा मुझे तो कुछ बना नहीं, अभी वैसी तुम्हारी इच्छा। तो नंदी ने कहा बाबा आप बैठो, मैं और भृंगी आपका श्रृंगार करते हैं। अब दोनों गण जो मनुष्य नहीं है, दोनों ही पशु हैं, भगवान का श्रृंगार करने लगे। और क्या कहते हैं, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर
चढ़ जाओ कर भगवान ने भी जो किए तो जो जटाएं बिखरी थी नंदी ने उन सब जटाओं को लिया और बड़ा सुंदर ऊपर जूड़ा बना दिया। तो कहा बाबा कैलाश पे तो कोई सुनार की दुकान नहीं तो सोने का मुकुट कहां से लाए तो जे आपका जटाओं का मुकुट बन गए। जटा मुकुट अरु मौर संभारा। अच्छा मुकुट तो बन गया जटा का अब मौर नहीं मिल रहा। मौर अवधि भाषा का शब्द है। मोर कहते हैं चेहरे चेहरा लबाब कोई नहीं कैलाश पर बृंदी या खाला नंदी की खातू रूप में आया शेरा रूप में दिया बेचारा पता नहीं कुत्ते कुत्ते बड़े ना पतले पतले सब पड़े सारे सपे ने दुम्बा कट्ठिया की गंढ मारी लिया गया सारे सप तो जेड़ा जूड़ा कितने ओद फसाई गई वो सारिया लड़िया सपैया थे आगे सांप फन फैलाए हुए झूल रहे हैं और नंदी ताली बजाकर हंसने लगा और बड़ा प्रसन्न हुआ। आहा हा लोग तो फूलों के चेहरे पहनते हैं बाबा ने तो सांपों का चेहरा पहना और फूलों वाला चेहरा लहरता भी नहीं वो कुछ झूल जाता हमारे बाबा का चेहरा तो लहराता भी है। बड़े प्रसन्न हुआ हमारा। अच्छा अब क्या हुआ अब उनके मन में विचार आया कि बाबा के कानों में कुछ नहीं तो कानों में कुंडल होने चाहिए क्योंकि बाबा आज क्या बनेंगे महाराज बनेंगे महाराज से ही बिगड़कर महाराज बना आपका नाम महाराज आया महाराज नहीं महाराज तो महाराज के कानों में कुंडल होते हैं तो कुंडल कहां से लाए। अब नंदी ने कहा ब्रिंगी तू रुक मैं चला उन्हें नंदी भी बड़ी नंदी गया तो उन्हें उठा बटीनिया भगवान शिव जी बुराया अपना देखो कुंडल लगी ब्रिंगी ने आखिया कौन उठा था सामने रे कुंडल जिन्हें हाथ बोले दो बिच आखा भाई किस करना है फसा किसके फसा वो जो डांग होते ना डांग डांग करने के पीछे फसाई है दोनों बिचू चला था दोनों बड़े प्रसन्न हुए कुंडल भी मिल गए महाराज। अब कुंडल मिल गए तो भृंगी के मन में विचार आया मुकुट हो गया उपरा दिखा दो उपरा शुरू की तरह वाला की गेम था लाड़े को लाड़े ने की के फायदा था ऊपर से महाराज देखा तो मुकुट है चेहरा है कुंडल भी है। अरे चेहरे पे तो कुछ किया ही नहीं हमने तो सुना है कि दूल्हे का पहले फेशियल किया जाता है। अब कैलाश पे किसको ढूंढे जो फेशियल कर सके। तो ब्रिंगी ने कहा नंदी तू रुक मैं जाता हूँ फेशियल मैं करूंगा। तो नंदी ने मुझे पहले किया किसी का बोलता हाँ किया बड़ा किया मैं आज देखना जैसा मैं करूंगा वैसा किसी ने नहीं किया हो। तो नंदी ने कहा जाओ ढूंढ जाओ ब्रिंगी गया तो महाराज एक चिता जल रही थी वहां से खूब सारी चिता की भस्म इकट्ठी की सुहा इकट्ठी की चिता लाया और बड़े टोकरे में ला करके शंकर जी के ऊपर डाल दी। उपरा सुटी हुई है मरी नहीं उपरा की नहीं सुटी हुई शिव जी महाराज तू रतू रही है। भगवान का रंग कैसा है कर्पूर गोर करुणावतार संसार सार भुजेंद्र हार सदा संतन हृदय अरविंद भवानी सहितम भगवान का रंग कैसा है भगवान शंकर का कर्पूर गोर गोर वर्ण है इन्ने गोरे ने जिन्ना गोरा कपूर होगा कपूर दिखे ना चिट्टा दुध रंग है भगवान का उपरा चिट्टी चिट्टी सुहा मली उड़ी फलिया ने काम कुछ और बनी ठीक नहीं करा रहे नहीं आया प्यार करने लेकिन जो लोग बड़े पैसे वाले थे महाराज भगवान शंकर के प्यार जीवन चा चढ़े रहा वो तो एक नहीं बढ़िया भैया माड़े बंदे के घर ब्याह हुआ है ये सौखा रिश्तेदार पहले नहीं बनता कुछ दुआ नहीं मंगी रहा ते भगवान ने आखिया इे सौखे रिश्तेदार ये चंगे जो भी करा दे बड़ा शैल करा दे
फिक्र ते है मेरी तो लाड़ा तैयार करना जिवें आ जो वाला तैयार हो इन को अगे आनंद है आनंद दी गल है लेकिन उनके को तो चंगे और नंदी ने महाराज भस्म ही भस्म पोत दी। और किसी ने पूछा महाराज भगवान शंकर को भस्म ही क्यों चढ़ाई जाती है और भगवान शंकर का जब हम रुद्राभिषेक या पूजा करते हैं तो भस्म का त्रिकुंड लगाते हैं हम भी भस्म क्यों लगाते हैं। एक बार क्या हुआ जब माता सती से भगवान का वियोग हो गया माता सती ने शरीर छड़ी हो गया भगवान शंकर राम कथा दे विच जंदे को कथा दे जेडी रैली जा रही है ਕਿ ਕਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੜਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਜੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤੇ ਮੇਂ ਹੀ ਇਹਨਕੋ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ राम आगे बोला है तुम्हारा राम नाम इस सारे पे सत्य है राम नाम सत्य भगवान ने कहा ये मेरी पार्टी है एक ही पार्टी ज्वाइन करनी है। भगवान शंकर भी वेश बदल करके उन्हें बीच बीच चलने पे आगे आगे बंदा था राम नाम इस शंकर ने कह सत्य है बाद में चुकी राम नाम सत्य है। शमशान के अंदर जैसे ही गए जिन्या वह मुर्दा परा करिए चीखा के उपर रखिया इन्या लगे सत्य है अखा ये विषय तेरा राम नाम अखा हो मन जाता हो जा तेरे पीछे पीछे में सत्य है। एक बोले अखा अजीब वर्मा है इसी मेरी साली का गया कराली अखा ना करी हुई क्या ली फोन आई है चुकना नहीं हुआ रहता है दुबे रखिया बड़ा ਇੰਨੀ ਚਿਰਾ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਬਜਾਜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਮਰਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਆ ਵਾਲਾ ਆਖਾ ਆਪਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਘੁਮਾਈ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਮ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਕੇ ਮਨ ਮੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਡਾਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਸਭ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਲਮੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਚਿਰ ਕੀ ਲਈ ਆਏ ਇੰਨੇ ਮੇ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗੇਟ ਟੱਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਟਰ ਪੁੱਗਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਬਰਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸਲ ਪਲਗਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬੜੀਆ ਥੋੜਾ ਪੋਈਆ ਵਿਚਾਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 13 ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ इसलिए हमारे घर में संतान नहीं हो रही इसलिए हमारे घर में बीमारियों ने अपना डेरा डाल लिया। तो भगवान ने कहा ये सारे लोग झूठे हैं और सच्चा कौन है सच्चा तो वो था जरा मरिए भी जिन जिन के मुंडे के ऊपर है वो आराम नाम सत को आ रहा सच्चा तो वो समुद्र सच्चा का ना बेचारा ना तो मुर्दा बोलना बोलने जो कर रहा नहीं भगवान ने कहा ये मुर्दा सच्चा है ये मेरा अपना है। भगवान जैसे ही उस मुर्दे के पास गए तब तक वो मुर्दा जलकर भस्म हो चुका था। अरे जो भगवान राम का नाम ले वो मेरे लिए बड़ा पूजनीय है और जो अपनी देह के कारण सारी दुनिया से राम राम कहलवा दे उसके तो चरणों की धूल भी मैं माथे पर लगा दू। ऐसा शंकर जी का प्रेम है राम नाम के लिए। इसलिए महाराज शंकर जी ने कहा कि सबसे राम नाम कहलवाने वाले मुर्दे की भस्म भी मुझे बड़ी प्रिय है क्योंकि राम नाम तो पानी में जिन्हे चेर अस्थिया सारे हथा चौनिया इन्ने चेर थोड़ी असर दुआरियां जन्ने पूरे शोक ने पीछे हे राम के कितना बड़ा माड़ा
जिया गया अपने विसर्जन होया चलो ना थोड़ा गडोरे दा झुटा ले लेते हैं मनसा दे देखो बड़े शिव जी दे के फोटो खिचाई ले उल्ला चली जांदा सारा लोग इसलिए उस शव की उस मुर्दे की भस्म भी महाराज पवित्र है इसलिए हम कहते हैं मुर्दे को यदि जलाने जाना है तो नहा धोकर के जाओ मुर्दा पवित्र होता है अस्थियां पवित्र होती हैं अपवित्र हम हैं सूतक में हम आते हैं मुर्दा थोड़ी अल्लाह दूसरा तो इसलिए भगवान को वो मुर्दे की भस्म भी चढ़ाई जाए तो आज सारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं नहीं उन तो नहीं कोई सवाल करे तो बड़े करे पता नहीं लगता तुम्हारा की है शिवरात्रि की खुशी नहीं टप्पा की बड़ी खुशी है टप गड़के का बड़ा पंगा पकौड़े है टोकरा बनी आवाज टोकरे का डेवा लाया माराओ संदे जाओ तो मूर्ख बनते जाओ घर जाइए पूरे घर परेशान करते जाओ ऐसा नहीं महाराज आज के बाद जो भी आपसे कहे कि तुम शिव को भांग चढ़ाते क्यों इसलिए हम पीते हैं उनको बताओ हम इसलिए चढ़ाते हैं हम तो भांग नहीं हम भांग के साथ देसी आग और धतूरा भी चढ़ाते हैं तू भी खाती हूं तुम ही हाथ पर महाराज धतूरा एक खाने से नस फट जाती है इतना गर्म हो जाती है चमड़ी करवाता नहीं करवाता इसलिए आज के बाद जो भी भगवान शंकर की निंदा करे जो भी भगवान शंकर के लिए ऐसा भजन गाए जिसमें दिखा हो कि भगवान शंकर भांग पीते थे उसका विरोध करो नहीं विरोध करोगे तो आप सनातनी नहीं क्योंकि भगवान शंकर को सबने आज भिक्खू अजय पढ़ने में माध्यम करने में जेडी बनाई हुई अज फोटो भी उगा रही आई क्यों बड़ी नहीं वो रहती थी दे दिखे मैं बड़ी काले में चेस्टी कर कई दे मुकी उड़े मैं जिन्हें रहे लगे लेकिन जिन्हें नहीं लगे उनके दास भी ऐसा संदेश जाना चाहिए कि शिव जो नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय जो नित्य शुद्ध है नित्य पावन है नित्य कल्याण करता है वो नशेड़ी नहीं हो सकता और शंकर जी क्या है कर्पूर गोरम जिसका कपूर के समान गोरा रंग होता है और नशेड़ी का रंग कैसा होता है पीला करुणा अवतारम भगवान तो करुणा करने वाले हैं गलती को भी क्षमा करते हैं और नशेड़ी का स्वभाव कैसा होता है चिड़चिड़ा गला गला दे पड़ी चिड़िया आंद्रा हो ही नहीं हमने प्यारी ने चिरा दिया कि संसार सारम जो पूरे संसार की बुद्धि जिसमें है ऐसे शंकर हैं और नशेड़ी के अंदर बुद्धि होनी ये बुद्धि हो तो नशा करेगा बुझ गए हारम जिसके गले में नागों की माला है हमारा और नशेड़ी की नाग पंग पीते थे बोला नालीन का कोनों की डरा कर जा रहे बोले बिच नहीं बिच इसलिए आज के बाद भगवान की ऐसी तुलना ऐसी ईश निंदा महाराज नहीं करनी चाहिए बोलिए शंकर भगवान की एक बार हाथ उठाकर पीछे से सब लोग कहें नमः पार्वती पते हर जय जय श्री सीता अब महाराज भगवान शिव तैयार हो गए कैसे तैयार हुए नंदी ने वासुकी नाग का जनेऊ डलवा दिया जनेऊ डलवाने के बाद बाबा को कहा बाबा खड़े हो जाइए खड़े हो गए तो बाबा कैसे हैं दिगंबर स्वरूप में हैं नंगे हैं बाबा ने कभी जीवन में वस्त्र नहीं डाला डालते भी किसके लिए क्योंकि कैलाश के ऊपर कभी कोई आता ही नहीं तो जहां कोई आता नहीं वहां वस्त्र डाला हो ना डाला हो क्या फर्क पड़ता है नंदी ने कहा बाबा आज तो हमें हिमाचल राजा के यहाँ जाना है आज भी नंगे गए तो दुनिया हंसेगी कि कैसा दूल्हा आया है इसलिए आज तो कुछ डाल लो तो बाबा ने कहा कुछ नहीं डालने तो नंदी ने नीचे बाबा का जो आसन था बागंबर
वही उठा करके बाबा के कमर में लपेट दिया और ऊपर एक सांप को कस के बांध दिया और सांप से कहा, ए सुन, तेरी ड्यूटी हिलना नहीं, हम सब की इज्जत तेरे हाथ में है, तू लिया ते खुलिया, ते खुलिया ते सारी भरावा सारी बेइज्जती होनी है, इस करी खुलना नहीं, सांप की आवाज ठीक से मारे पर इज्जत का मजा आए तो तभी क्या हुआ, नंदी गया मानसरोवर में, ला गया तालाब मारी डुबकी नहीं तो ये बात आई आखा बाबा बैठो बैठिए, शंकर जी बैठने लगे जल्द दे, उन्हें देखिया बरात नहीं आई, इनके देवी देवता होता है आन ले पे कलाश आई जाए, लेकिन जिल्लै गै देवते की पत्नी ने देखा उन्हें आखिया तोड़ पड़ी है, फिर करके मजबूरी नारायण ने सबके मन का भाव जान लिया और सबसे कहा, आप तुझ चलवा क्या क्या प्याई चलवा क्या क्या जिना नहीं देवी करने चलते शर्मा भी चलवा क्या क्या दूसरा नंबर देवताओं की पत्नी ने पत्नियों में ये विचार आया जैसे इन्हें इन्ने सुंदर सुंदर कपड़े पाए थे सारे घर वाले ने इन्ने सोने सोने कपड़े पाए थे अस चाहते हैं लोग सानू दिखन जेकर सारे गै सुंदर दे विच इक भूत आई आ ते भूत आई गै लोग दिखदे सुंदर ही नहीं दिखदा कोई बाबा भूतनाथ के स्वरूप में भूत समझो भूत कोई वैसा शब्द नहीं बाबा उसमें भूतनाथ लग रहे थे भूत माने समय को भी भूत कहा जाता है जो पिछला समय हो पिछला समय भूत काल पंचभूत जिनसे हमारा शरीर बना है पृथ्वी वायु जल आकाश और अग्नि इनको भी भूत कहा जाता है तो बाबा भीम जैसे लग रहे हैं तो देवताओं की पत्नियों ने कहा हमारे ब्यूटी पार्लर का जो बिल दिया वो सारा बेकार हो जाएगा कैसा तो गुण दिखा रहा था दिखना पड़े लग गया इसलिए चलो क्या सब चले गए आगे तो नंदी ने कहा बाबा ये तो आगे जा रहे हैं जल्दी बैठो मैं दौड़ लगा कर इनके आगे चले जाऊंगा तो शंकर जी ने कहा नंदी जी ये स्वार्थी लोग हैं इन्हें मेरे घर थोड़ी कोई लेना देना इन्हें नहीं लेना देना तेरे घर ये तो अपने लिए आए थे मेरे घर जान दे विश्वासी ये लोगों का साथ करना भी नहीं नंदी जी जान दे ये अगे अगे टुरन करा है पिछे पुछे टुरन के वाला कुछ लग नहीं चनी है इसके चंगा चलिए हूं ब्रिंगी ने कहा महाराज जितनी देर बारात नहीं आई जिन देर बारात नहीं होगी जिन लाड़ा कहता तो बिहार की चले जाना बारात से चली गई क्या हूं बस तैयार ही नहीं है लोग के अपना एक लाड़ा में रोड़ रहे सिर पे ये कितनी बारात हुई बाबा ने कहा कोई बात नहीं बंदी जी जो मेरे साथ प्रेम करते हैं आप उनको बुलाइए तो नंदी जी ने कहा जिनको आप बुलाने को बोल रहे हो उनको तो कार्ड नहीं डाला तो शंकर जी ने कहा अपनों को भी कोई कार्ड डालता है जाओ उनसे कहो भगवान शंकर ने बुलाया है और जिन्हें सत्र जाना वो बेचारे पहले के छप्पे ने कलाश है देखा ले कोई आख्या है कवारी साहब भैया तो सारे मल्ले की जरा बराबर नहीं होती ना देखे ना देखे ना दो चार बंदे जिन्हें जिन्हें बेचारे शांत अपनी नहीं आखी होती मुंह दो चार बजे के छप्पे अपना एक बार गया वैसे ही जैसे ही शंकर जी ने कहा जाओ उनसे कहो भगवान शंकर ने बुलाया है नंदी जी ने निकाली श्रृंगी और भीड़ होकर कहा हर हर महादेव जैसे ही कहा चारों दिशाओं से भूत प्रेत निशाच हाथी हाथी चुड़ैल सब प्रकार की बलाएं जोगिनियां नचनियां नचनियां आई गया अब दर्शन करें कैसे कैसी बला धारे लगी और सबसे पहले आकर के महाराज क्या करते हैं आकर के भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं जय शिव शंकर जय भोला जय शिव शंकर जय भोला जय शिव शंकर
एक लाइन बनाई। सब पहले भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते, प्रणाम करके एक लंबी लाइन बना देंगे, फिर बाकी वाले उनके पीछे, बाकी वाले उनके पीछे। इन्हें लगे नहीं है शफी जी ने भी प्रेर दिया हुआ है, सारे बड़ा आज्ञा को थोड़ी है बैल राजा ने। बैल किसके हैं? जो आगे वाले भूत हैं उन्होंने लाशें उठाई हैं, तो लाशें चक बारी बारी कार एक एक अथा करना उसी के लात मरोड़ी लाश नहीं ते लाशा दे पड़ बमड़म दिया। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, दूसरी लाइन में कौन है? दूसरी लाइन में बाजिया ने बाजे कह रहे बनाए रे मुट्टी मुट्टी अड्डियां लिए शराब कटिया बिच तो बाजार है। त्री लाइन उन्होंने जेडे क्या दूसरे शुरकने वो बाजार है, वो शुरकने कहते बनाए रे दो अड्डियां लड़िया आपू जो बाजार। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। महाराज नाना वाहन नाना बेसा, शंकर जय भोला। लेवल तक उठाना तो मैं इशारा करूंगा, समझ में आया? अच्छा उधर बड़ा पीछे है, पहली परेड पैदल, दूई परेड अपने अपने गड्डियां ली। कोई एक भूत दूसरे भूत के कानों को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ा है और कानों को मरोड़ के मेरा चला गया। कोई सिर नीचे किया है टांगे ऊपर और अपने सिर को कह रहा है अगले चल। कोई कुत्ते पर चढ़कर आया है, कोई गधे पर, कोई सुअर पर, रंग बिरंगे भूत। कोई गोरा गोरा भूत है अमेरिका से आया है, कोई काला काला साउथ अफ्रीका से, कुसा जी मोटी मोटी अखा, कोई चाइना का आएगा निकी निकी अखिया रंग बिरंगे भूत। कैसे कैसे भूत है महाराज, तो ही बिल्कुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, विभवत कर तो और पत चाहू। जय शिव शंकर जय भोला, त्रिकुल नयन तो नहीं रहीना। जय शिव शंकर जय भोला, वृष पुष्ट कौ तन खीना। जय शंकर जय भोला। कैसे कैसे भूत है महाराज, गोस्वामी तुलसीदास ने राम चित्त मानस में लिखा है। मैं कोई अपने को नहीं सुना रहा, मैं अपने को नहीं सुना रहा, मुझे नारायण नहीं आता क्या है। कैसे कैसे भूत है उधर का पीछे जी लाई है, वो पूरी पूरी लाइन की मुंडियां खेड़े तक न चल। उधर का पिछली लाइन है पैरे वाली सिर थोड़ी मुंडियां मुंडियां लगी। कौन कहीं विपुल मुख राहुल, बिनु पद कर कौन बहुपद बाहू। किसी का एक भी पैर नहीं और किसी के सिर से लेके पांव तक पैर ही पैर। विपुल नयन कौन नयन नहीं ना, किसकी एक भी आंख नहीं, किसी के शरीर पर आंखें ही आंखें। ऋष्ट पुष्ट कौन अति तनखीना, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई लंबा है कोई काटा है, कोई चपटा है कोई गोल है। ऐसे ऐसे भूत तनखीन कौ तीन पावन, कोई अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोने तन भरे। हर स्वान सूर सुकाल मुख मुख गण वेश अग्नित को बने। बहु जिनत प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णक नहीं मने। किसी ने खोपड़ी में खून भरा है और खून पीते पीते आ रहा है। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोली वचन विचित्र विधि। अब नंदी सबके कमांडर बनकर आगे खड़े हो गए। बाबा को कहा बाबा नंदी बैठो मेरे ऊपर, दूल्हा
जब शादी करने जाता है तो घोड़े पर कैसे बैठता है, आगे के मुंह करके बैठते हैं ना लगाम पकड़ के। लेकिन शंकर जी ने क्या किया, नंदी के मुख की ओर पीट करके और मुंह भूतों की ओर करके बैठ गए, उल्टे बैठे। ऐसा लिखा है तुलसीदास जी, ब्रेकी क्या बाबा उल्टे बैठे हुए। तो शंकर जी ने कहा मुझे उल्टा ही बैठना है, आज मैं महाराज बना तो आज ही अपने लोगों से मुख मोड़ लूंगा, आज मैं बड़ा बना दे आज मैं तुम्हारा मुंह मोड़ ले ना जी ना, ये शिक्षा नहीं कर सकता क्या काम। दूसरी बात अज्ञानियों करा कुंडे अल जिन्हें पिट गई है पिट तो सी मसाल उनके अल करा जरूरत नहीं। तीसरी बात नंदे तुम धर्म हो, तुम धर्म हो और धर्म के पीछे चला जाता है धर्म के आगे नहीं, इसलिए तुम मुझे लेकर जाओगे, मैं धर्म के ऊपर बैठ करके विवाह करने जा रहा हूँ और दुनिया के कल्याण के लिए विवाह करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी गृहस्थी अखंड रहेगी और भगवान शंकर और पार्वती का आज तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ, आज तक उनकी गृहस्थी नहीं टूटी, आज तक उनकी गृहस्थी नहीं टूटी, इसलिए मैं उल्टा बैठ के जाऊंगा। अब भृंगी पीछे खड़ा है और जी बैठ बस लो ना बड़ा छोटा रखना का पता तो सबूत करे दो, जे कुछ ने डिसिप्लिन तोड़िया मेरे को बुरा कोई नहीं हो। ठीक है महाराज हूँ गांधे गांधे जाओ सारे, जय श्री शंकर जय भोला, जय श्री शंकर जय भोला, जय श्री शंकर जय भोला, जय श्री शंकर जय भोला। अगर किसी राक्षस का मुख कुत्ते का है, कुसा का मुख कुत्ते का, कुसा का सूरा का, कुसा का गिड्डा का, कुसा का हाथिया का, कुसा का उल्लू का, कुसा का सप्पा का, हूँ ब्रिंगी उन्हें आखे वा कि गाओ जय शिव शंकर जय भोला, उन्होंने सुनाव जो मूह का गिद्धा उन्हें किन्ने गाड़ा बेचारे बोलता जिरा कुत्ते का मूह भौं भौं करी सकता गाना किया उन्हें, वो सारे गुआ ला जबरदस्ती उन्होंने तो कला गुआ नहीं वो किसी की तर्जा ला लो, वो आखा ला बोलो जय शिव शंकर जय भोला, वो पीछे रख बम बम बोलो जय शिव जय शिव, 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 अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जो मुंह में आ रहा है अकड़म बम बकड़म बम लकड़म बम तकड़म बम जेड़ा मुंह में जा रहा वो बोलिए जी मारा क्या कू आया मेरा दमू लिया डमू बजाई आपको भी नचन लगे जिस जिस लाके ना बराज जा रही लाके लाके खाली नसी लोग बजा रहे नसना क्या बरात थोड़ी ही पिछड़ा एक शरारती राक्षस हुआ और गया शिव जी महाराज को आखा मारा ना थोड़ा मां ना थोड़ा प्यो मनिए किसी गल लेकिन जो रवाज ने ब्याह तो करने चाहिए वो के लोग महाराज बरात दिखना अह सुने जोड़ा लाड़ा वह तुम्हारे सिरा के उपर पैसे सोचे थोड़े को तुम्हें सुखने पर दसो शिव जी ने आख्या महाराज जिन्हें जिन्हें सुखने सुखी गल आई जिन्हे को पैसे पुछा के है बरात जिते जा रही धूड़ो धूड़ो धूड़ में धूड़ डाली जिन्हें चेर धूड़ भरिया हुई है वो लागे पूजा रही लोग दिखी दिखी एहसास भी कर रहा है कि बरात आई शुरू हुई उत्तराखंड है दिल्ली हरियाणा हिमाचल नंबर पंजाब का भी आया। जैसे ही पंजाब में पहुंचे तो सलाह दे दी किसी ने कहा महाराज पैसे सोचे और जैसे ही बरात निकली पैसे दे जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जैसे ही बरात आ गई लगा वो डब्बिया ले आगे देव के जी ने करना पड़ा देव के जैसे ही पहुंचे कुड़िया की तरफा बिल्ली करने बजुर्ग आए बेचारे को
चढ़िए विखी प्राण बड़े सोने प्राण अगे अगे भगवान नारायण प्यार सोचा ठीक है लाला है महाराज बड़े शैल लगन तुसें लाला लगे सच सनाया लाड़े तुस नहीं लाड़ा मैं नहीं लाड़ा अच्छा ते दूआ पुत्र आखना थोड़ा जिंदी बरात जिंदी सोनी उदा लाड़ा किन्ना सोना हो ते नारायण का किन्ने के पुत्रा पाला दा एक बजे ना देख दे तू नजर राम दा नारायण देख कर ऐसा लगा कि जो इतना सुंदर बराती किसके हैं वो दूल्हा इतना सुंदर है। देवताओं ने पत्नियों से कहा कि अगर बारात पहुंच गई तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा फटाफट जरा स्टार लगता बर्तन पूरा करने नहीं लगता जरा 500 दिते दा उसी पूरा करो और होंदा भी इ जरा माड़ा होंगे ना बेचारा गरीब देवते काम शुरू किया एक देवते ने आख्या महाराज आलू के ना बड़ी लगी नहीं ना तू दिखनी चाहिए तुम मेरे चांपा लिया फिर उसके बाद क्या हुआ देवताओं ने जैसे ही देखा पीछे से आवाज आ रही है पिछे मुड़िया देखा तो लगे अपनी छड़ी धूड़ सोचा के जय शिव शंकर जय भोला 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 हर हर बम्बल जय भोला हर हर बम्बल जय भोला बम्बल जय शिव जय शिव 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 जय शिव शंकर जय भोला जय शिव शंकर जय भोला जिया गया धूड़ भरया हुई बरात सामने दिखी देवते कोई टेंटा दे थले ना सड़ा कोई टेबला दे ओहो त्राही मां नारायण बचाई लो कोई बेचारा नारायण ने पीछे शक्ति है बहुत ना का बचाई ना भगवान आ दूई बारी की बरात आंदा जिन्ने चे रोगा है तेरे बरात नहीं आंदा नारायण ने क्या बोलता तो काबू बनी आंदे ही पूछा दे आज का आयो जेड़े बेचारे बुजुर्ग मिलनी करार करना है बड़ा भाव कर दे डिग्गी पे थल तुम्हारे बार वो आके जेड़े घोड़े पर चढ़ी आए घोड़े जिन्ना दिखिया गया ते हुन आया घोड़े थले निकली ओ बेचारे भाव कर जेड़े घोड़े पर नहीं चढ़ी आए ना सोटियां बड़ी नहीं जिन्ना बुजुर्ग ओ खड़ते रह जा करी गया एक राक्षस गया खड़ा मारे मन्ना बोलता बड़े दलेर हो तुम सानू देखिए देवते ना सीए मतलब सारे लड़ोड़ी खड़ोते रे आ खड़ा मारा करा दिए लट्टा निकल दिया ने में नसरा दिया आ गया नसरा ने 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 करा दिए इन सोची ने सारे लड़ोते रे नसरा दिया उन मरता क्या ना करता शंकर जी तब पास न पहुंचे उस समय जैसे ही महाराज